Hello everyone. So today we will start with reproduction in bacteria. Okay. तो अब तक हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरह की स्ट्रक्चर उनके अंदर होती है. प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल वो होते हैं, ठीक है. उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउल सेल ऑर्गेनल जो है वो अब्सेंट होते हैं, सिर्फ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं. राइबोसोम और जो जेनेटिक मटीरियल इसके अंदर होगा वो कैसा होगा? फ्री फॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो मेक्ड जेनेटिक मटेरियल हमें इनके अंदर देखने को मिलता है. इसकी बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं. न्यूट्रिशन कितने टाइप का हम यहाँ पे मिलता है, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कैसे करता है, इसके अंदर फ्लैजिला की रेनमेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है. तो बैक्टीरिया जो है वो किस किस तरह से ऑर्गेनल है? यूनिसेल्यूलर है. तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? जितने भी और ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कब रिप्रोड्यूस करते हैं? जब उनके लिए हैबिटेट और फूड अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा. जब उसको हैबिटेट और फूड अबंडेंट अमाउंट में मिल रहा है तब वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगी. एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो फास्ट होती है, ठीक है. फास्ट प्रोसेस है और एक साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है. लेकिन यही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब उनको फूड और हैबिटेट दोनों ही स्कार्सिटी में प्रेजेंट, ठीक है. तब इंडिविजुअल कैसे करेगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसके अंदर नए कैरेक्टर ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है. बट ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज यूनिसेल्यूलर, ठीक है. एसेक्सुअली तो ये इजीली रिप्रोड्यूस कर सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसके केस में होगा तो ये कैसे करेगा? बाइनरी फिशन से ही क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का जो कॉमन मेथड है वो होता है बाइनरी फिशन मेथड, ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा? जो डीएनए है सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है. डीएनए रेप्लिकेट करेगा और डीएनए का क्या होगा? फिर उसके बाद डिविजन होगा और फिर सेल जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ये इसका क्या करता है? बैक्टीरियल बाइनरी फिशन में क्या होता है? सेल जो है बैक्टीरियल सेल ये ग्रो करती है साइज में, ठीक है. ये चाहिए इसका जेनेटिक मटीरियल जो है प्रेजेंट है जो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा. फिर क्या होगा? इसके अंदर एक ट्रांसफर सेप्टम जो है सेप्टम की फॉर्मेशन इसके अंदर धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा? ये टू पार्ट्स में एक सेल क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी और ये इसका जेनेटिक मटीरियल यहाँ पर होगा, ठीक है. इस तरह से क्या हो जाएगा? इसमें बाइनरी फिशन हो जाएगी. एक सेल जो है दो नए बैक्टीरिया को क्या कर देगी? रिप्रोड्यूस करेगी. ये जो तरीका रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, ठीक है. तो एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस उसने कर लिया. कब किया? जब उसको फूड और हैबिटेट दोनों ही कैसे मिल रहे हैं? अबंडेंट भाई, सब कुछ तो नॉर्मल है इसके साथ, सारी सिचुएशंस नॉर्मल है, फूड अच्छे से मिल रहा है, हैबिटेट अच्छे से मिल रहा है, तो क्यों इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना? क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है फालतू में, अपनी सारी प्रोसेस को इसको वेस्ट करना है? बस इसको तो अपना नंबर बढ़ाने से मतलब भाई सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा अपने नंबर को, ठीक है. तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जब क्या होगा भाई? फेवरेबल कंडीशन जो है वो जब अनफेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है तब क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा. एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो भी किसकी तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है. एंडोस्पोर फॉर्मेशन जब कोई भी बैक्टीरिया करता है ये कब करता है? जब उसके लिए क्या हो फेवरेबल कंडीशन जो है वो किसमें चेंज है? अनफेवरेबल कंडीशन. मतलब फूड और हैबिटेट दोनों के उसके क्या हो गए? खतरे में पड़ गए. तब बैक्टीरिया क्या करता है? एंडोस्पोर से रिप्रोड्यूस करता है.
ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप। किस तरह से? कि बैक्टीरियल सेल जो है, मान लो इस तरह से क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये एक साथ रहते हैं ग्रुप में, कॉलोनी की फॉर्म में क्या रहते हैं, भाई एक साथ रहते हैं। तो जब कंडीशंस क्या होंगी, अनफेवरेबल होंगी, तब इनमें से कोई भी एक सेल क्या करेगी, उनको पता है कि भाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल हम सबके बहुत कम है, क्योंकि जो कंडीशंस है वो क्या हो चुके हैं, अनफेवरेबल हो चुके हैं। हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिस बॉडी में ये रह जाए, मान लो एक्वाटिक बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है, और उनके अंदर क्या हो गया, भाई टेम्परेचर अचानक से क्या होगा, इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। हो सकता है भाई जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है वो चेंज हो जाए, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है वो वेरी कर जाए। कोई भी कंडीशन हो सकती है इनके साथ जो इनके लिए अनफेवरेबल हो, मीडिया जो इनके लिए ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इनके लिए नेसेसरी है वो डिप्लीट हो जाए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर लेता है। तो मतलब एक सेल उसकी समझ लेती कि अब क्या होगा, हमारा जीवन जो है वो खतरे में है, तो उस वक्त क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने डीएनए को, जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। अब जब डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है तो एक कॉपी कहाँ रह जाती है, बाहर रह जाती है, और एक कॉपी आ जाती है इधर, ठीक है। इसके चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म है, वो अडेप्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होती है, लेयर की फॉर्मेशन कर देता है, कोक लेयर बना लेता है, ठीक है, लेयर की फॉर्मेशन करेगा ये अपने, ठीक है। एक्जोस्पोरियम, जो एक्जो और एंडोस्पोरियम सेल लेयर की फॉर्मेशन करेगा, एक आउटर लेयर इनर, ठीक है, आउटर को एक्जोस्पोरियम, इनर को एंडोस्पोरियम कहते हैं, ठीक है। तो बॉल की फॉर्मेशन कर लेता है डीएनए, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ये क्या करेगा भाई, इसकी बॉल की फॉर्मेशन के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब ये बना के सप्लाई करता है, और ये जो डीएनए है ये हो जाता है सेफ, ठीक है। अब क्या कर लिया भाई, अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बार बार, ठीक है, कंडीशन चेंज हो रही है, तो क्या हो गया, ये सेल क्या हो जाती है, अब डीजनरेट हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट, ठीक है। अब चाहे क्या वो भाई, चाहे हम पानी को उबालते रहें बहुत टाइम तक, जिस बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है उसमें पानी उबल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ये टेम्परेचर 40 से 50 साल ही बढ़ता रहे तो भी बैक्टीरिया को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, एंडोस्पोर जो है वो सेफ रहेगा, बिल्कुल प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी, बैक्टीरिया इसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, और वे क्या करेगा भाई, नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन इसको भी हमने रिप्रोडक्शन का तरीका कहा, क्यों कहा हमने भाई, रिप्रोडक्शन तो नहीं किया उसने, सिर्फ क्या हुआ, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुआ, और जो रेप्लिकेटेड कॉपी थी वो यहाँ पे सेफ थी, बाकी क्या होगी, डीएनए हो गई, ठीक है। तो ये जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन विदाउट, ये जो तरीका होगा रिप्रोडक्शन का ये क्या है, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो लेयर होंगी ना बेटा, ये जो टू लेयर फॉर्मेशन इसने की है, ये क्या होंगी, हाईली रेजिस्टेंट होती हैं टू रेडिएशंस, टेम्परेचर्स एंड केमिकल्स, ये टेम्परेचर के लिए, रेडिएशन के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस में भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। हम इसको बॉइल करते हैं वाटर को, हमने फूड को क्या कर लिया,
मुर्गल ये कैंड फूड में मिलता है, जो कैंड फूड होते हैं उनके अंदर ये कई बार क्या होता है एंड ग्रो कर लेता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम अगर फूड को बॉईल भी कर लें, गर्म भी कर लें उसको हम, तो उसके बाद भी क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो लाइव रहता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पोर। और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो फिर से ग्रो करेगा और फिर से इन्फेक्शन को क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस एंडोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है बेटा, मोस्टली बेसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्टली बेसिलस बैक्टीरिया जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोकाई में और स्पाइरल बैक्टीरिया में इसकी फॉर्मेशन के चांसेज हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो ये तो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। अब इसमें क्या हुआ भाई, इसको ए सेक्सुअल क्यों कहा हमने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, मेन तो हम यही जान समझते हैं, हमने अब तक यही पढ़ा है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाईपेरेंटल प्रोसेस है। अब तक तो हमने यही जान कि गैमेट फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उस केस में भी कह सकते हैं बेटा जब हमें कोई नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलता है, जो जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। जीन्स कहाँ होते हैं बेटा, डीएनए के अंदर होते हैं। डीएनए में क्या होता है, जो डीएनए है जेनेटिक मटीरियल जो होता है उसके अंदर ही क्या होते हैं, जीन होते हैं बेटा, ठीक है। अगर इस डीएनए में किसी तरह से कोई चेंज आ जाता है, कोई नया फैक्टर इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, ये किसी को, इसको भी जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, इस ये जो प्रोसेस है इसको हमने कहा जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है इसको भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका मानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म, वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे ना तो कोई टिश्यू होता है, ना कोई ऑर्गेन होता है, ना कोई ऑर्गेन सिस्टम ही होता है। तो ऐसे केस में भाई मेल और फीमेल पेरेंट अलग अलग हो, गैमेट की फॉर्मेशन करें, ये सब तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो जीन्स के जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, उसको हम मान के चलते हैं कि ये क्या होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इनको मान लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है बेटा, वो भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सुअल बैक्टीरिया में वो तीन तरीके से, फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और जो सेकंड तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन। सेकंड है आपके कॉन्जुगेशन, और थर्ड क्या है, ट्रांसडक्शन। हम इसी सीक्वेंस में याद करेंगे इसको, क्योंकि इसी सीक्वेंस में डिस्कवर हुई है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ कब डिस्कवर की थी, इन 1928 में इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। और कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था बेटा लीडरबर्ग और टैटन ने, लीडरबर्ग in 1946, ठीक है, 1946 ही है। और ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया था बेटा जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इन 1952 में, हम इसको याद करेंगे, क्योंकि पहले ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर हुआ, उसके बाद देन कॉन्जुगेशन, देन ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी, इसको याद करेंगे, ठीक है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं मेटर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे क्या होता है, ये लेबोरेटरी मेथड है बेटा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इन विट्रो कंडीशन में हो सकता है, विट्रो कंडीशन में ये मेथड पॉसिबल नहीं है। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने जो है बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन ली थी, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ठीक है। आर स्ट्रेन जो है वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे इन्होंने काम किया था, ठीक है, ये डिजीज को प्रोड्यूस करती है, सॉरी डोंट प्रोड्यूस, रेफ स्ट्रेन जो है वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती, डजंट प्रोड्यूस डिजीज, और ये डिजीज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि इन्होंने एक बार एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, एक बार एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जिसके अंदर माइस के अंदर, तो भाई डिजीज प्रोड्यूस स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की, तो डिजीज तो प्रोड्यूस करेगी, निमोनिया होगा माइस को, और माइस क्या होगा कि धीरे धीरे अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मर जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, जो आर स्ट्रेन को इन्होंने इंजेक्ट किया तो भी क्या हुआ, अभी तो क्या हुआ, माइस को लाइव था, माइस को भी लाइव, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो डिजीज को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करके उन्होंने इसको किल कर दिया, और मारने के बाद क्या किया उन्होंने, इन दोनों स्ट्रेन को, सॉरी पहले उन्होंने एक ही स्ट्रेन डाली, एस स्ट्रेन डाल के देखी, ठीक है, और इसको उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया, मार दिया इन्होंने, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया लाइव रहा, मरा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया तो डेड हो चुका है, डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसके साथ क्या किया, उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, पहले उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो कि डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस मर गए, डिजीज प्रोड्यूस हुई, माइस मर गए। सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया क्योंकि डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है, तो माइस क्या रहा, लाइव। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड किया किसको, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसको हीट किल्ड किया, मार दिया उसको गर्म करके, उसके बाद इंजेक्ट किया माइस में, माइस क्या रहा, लाइव रहा, ठीक है। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस लाइव आर स्ट्रेन, हीट किल्ड नहीं बेटा, लाइव आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में, और उन्होंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। सरप्राइजिंग कैसे थे कि बैक्टीरिया तो मर गया, सॉरी माइस तो मर गया, उसको डिजीज हुई, डिजीज प्रोड्यूस हुई, मर गया। बट रीज़न क्या था इसका, रीज़न ये था कि जो आर स्ट्रेन थी उससे डीएनए गेन कर लिया एस स्ट्रेन, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन थी उसने क्या किया, आर स्ट्रेन जो कि लाइट थी उसका बैक्टीरिया उसने गेन कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और बैक्टीरिया ने क्या हुआ, एक नई स्ट्रेन फॉर्म कर ली उसने, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिजीज प्रोड्यूस हुई, चूहा बन गया। यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ ये कि जो हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो था ये तो मरा हुआ था, डेड था, डेड, बट इसके साथ उन्होंने क्या डाला, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, इंजेक्ट, तो इस हीट किल्ड बैक्टीरिया ने लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से डीएनए ले लिया, ठीक है, गेन कर लिया, ठीक है, इस
इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसके अंदर और उसकी वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया के अंदर डिजीज की पैथोजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस हो गई और जिसकी वजह से क्या हुआ, माइस जो है वो मर गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला था, रिजल्ट ये था कि जो एस्किन बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसकी वजह से, एस्किन बैक्टीरिया की वजह से। इसके जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी वो किसके अंदर आ गई, लाइव एस्किन बैक्टीरिया के अंदर आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी चूहा मर गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था और ये लेबोरेटरी कंडीशन में ही हो सकता है, नेचर के अंदर ये प्रोसेस कभी नहीं हो सकती। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, इन विट्रो कंडीशन में हो सकता है, विट्रो वीवो कंडीशन में ये नहीं हो सकता। ठीक है, और इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्चुअल में क्या थी, इन सब चीज़ों को ग्रिफ्थ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनके जो कंक्लूजन था वो क्या रहा भाई, रिजल्ट लेस ही था उनके, उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया था इसके केस में। जैसे ये स्टेटमेंट मैंने अभी दी है, जिस तरह से स्टेटमेंट जो है कन्फ्यूजिंग है, उसी तरह से इनका रिजल्ट भी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, और इसको जो बायोकेमिकल जो एनालिसिस इसकी की थी वो तीन साइंटिस्ट ने की थी, बेटा मैक एफ बी मैकलेड एंड मैकार्टी। ठीक है, और ये हम बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे इन क्लास 12। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ यही समझना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कब होती है, बेटा इन विट्रो कंडीशन में होती है। ये ग्रिफ्थ ने स्टडी की थी, माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था और स्ट्रेन का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमें याद करना है, इसकी डिटेल स्टडी हम 12th के अंदर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन जो है कॉन्जुगेशन आता है, कॉन्जुगेशन जो है किसने डिस्कवर किया था, बेटा लीडरबर्ग एंड कैटन ने ये डिस्कवर किया था। और ये किसके अंदर डिस्कवर किया, इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया। कैसे, इसमें क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एफ एफ प्लाज्मिक प्रेजेंस है। ठीक है, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये बैक्टीरिया है, ये सब डीएनए है, जेनेटिक मटीरियल है, और प्लस इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, क्या है, सेगमेंट ऑफ प्रेजेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मिक। और इस प्लाज्मिक ये कौन सा बेटा, एफ प्लाज्मिक बैक्टीरिया, फर्टिलिटी फैक्टर ये होगी। ठीक है, तो इसके पास क्या है बेटा, सेक्स ग्लैंड है, क्या होती है, कुछ लोगों की बीमारी होती है इसके पास, जिनको हम कह रहे हैं सेक्स ग्लैंड, ये लोगों सेक्स ग्लैंड होता है। ठीक है, और शोटल क्या होती है इसके अंदर, फिमरेट प्रेजेंट, दो टाइप के क्या होते हैं, शोटल एंड लोनर, शोटर को हम फिमरे भी कहते हैं और लोंगर जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, सेक्स ग्लैंड। तो जिसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है अब ये क्या करेगा, अभी जो एफ नेगेटिव स्ट्रेन है, एफ नेगेटिव स्ट्रेन कौन सी होगी, जिसकी पास एफ प्लाज्मिक प्रेजेंट नहीं है, ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके पास क्या है अभी, सेक्स ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंट। ठीक है, इसके पास कोई एफ प्लाज्मिक नहीं, अब क्या होगा, ये जो सेक्स ग्लैंड है ये क्या करेंगी, इनसे कनेक्ट करेंगी बेटा, ये सेक्स ग्लैंड क्या होगी हमसे कनेक्ट कर लेगी इसके साथ एफ नेगेटिव, ये एफ नेगेटिव इसके हैं बेटा, जिसको हमने फीमेल बैक्टीरिया कहा, इसको हम कहेंगे फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, ये जो प्लाज्मिड है दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, सेल्फ डुप्लीकेट भी कर सकता है और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम उसके साथ भी अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। तो डुप्लीकेट करेगा एफ प्लाज्मिड
और उसके बाद क्या होगा, एक पुपल क्या होगी, वो जब चली जाएगी एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। अब एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास क्या होगा, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होगा, एफ प्लाज्मिड में नए कैरेक्टर इंड्यूस होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन गया। ये एफ प्लाज्मिड अपने आप भी डुप्लीकेट कर सकता है, बैक्टीरिया डीएनए के साथ भी डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन गया और इसी को हमने कह दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ग्रुप कॉन्जुगेशन। और ये इसको पहली बार डिस्कवर किया था बेटा इसको लीडरबर्ग टैटम ने इन 1946 में, ठीक है। तो ये जो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी को हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन, थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जो सेक्स लाइन होती है, ये जिस ट्यूब की फॉर्मेशन करती है उसको हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो क्या है, ट्रांसडक्शन, जिसको डिस्कवर किया था जिंडर और लेडरबर्ग इन 1952 के अंदर, ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं बेटा जो कि बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट कर नहीं सकता, तो इन्फेक्ट इसको कौन करते हैं, वायरस। और ऐसे बैक्टीरिया, सॉरी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उनकी प्रॉपर शेप होती है, उनकी शेप कैसी होती है, ये होता है हेड पार्ट, ठीक है, हेड पार्ट, ये उधर है नेक पर, एंड देन दिस टेल पर, ये क्या होता है, टेल पर। और इसके हेड पार्ट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जब ये बैक्टीरियोफेज जो है इन्फेक्ट करेगा किसी बैक्टीरियल सेल को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बेटा है, बैक्टीरियल सेल यहाँ पे है जिसको इसने क्या किया, इन्फेक्ट करेगा। जब ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तभी क्या होगा, ये जो क्लीन फाइबर है ये क्या होता है, अटैच हो जाएगा इसके साथ, ये अटैच हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, जो जीनोम की कॉपी है, बैक्टीरियोफेज के जीनोम की कॉपी है, डुप्लीकेट होगा और ये क्या होगा, इसके अंदर इंजेक्ट होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे वायरल डीएनए आ चुका है जिसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर। अब वायरल डीएनए तो भाई ये तो क्या रेजिस्टेंट होगा, ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके कंट्रोल को क्या करता है, यूज कर देता है, गन पॉइंट पर रख देता है बैक्टीरियल डीएनए को, और उसको कहता है कि तू अब वो बनाएगा जो मैं चाहूँगा। ये वायरल डीएनए कहता है कि मुझे ही बना और मुझे और ताकतवर कर, ठीक है। तो अब जो बैक्टीरियल डीएनए है ये क्या करेगा, अपने काम बंद कर देगा, जो भी काम उससे कर रहे थे, जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन ये कर रहा था, बैक्टीरिया के लिए जो भी नेसेसरी प्रोसेस है, मैटर ये प्रोसेस है, उनको कंडक्ट ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही वायरल डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट हुआ, वैसे ही क्या हुआ, इस वायरल डीएनए क्या ने क्या किया, इसके साथ रेप्लिकेट कर दिया, अब ये इसके साथ अटैच हो गया है, ठीक है, अटैच हो गया। और इसके साथ अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके क्या करेगा, बहुत सारे क्या बनाएगा, वायरस बनाएगा। कोई वायरस का कैप्सिड बना रहा है, कोई इसका नेक पार्ट बना रहा है, कोई टेल पार्ट बना रहा है, ठीक है, कोई जेनेटिक मटेरियल बना रहा है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, सिर्फ वायरस का काम करेगा, वायरस को क्या करेगा, ये बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब ये वायरस, ये जो वायरल डीएनए है ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को चॉप कर देता है, उसके टुकड़े कर देता है, बहुत सारे क्या करेगा, पीसेस में तोड़ देगा। बैक्टीरियल डीएनए जो है इस तरह से पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है। और अब ये क्या कर रहा है भाई, वायरस की बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। तो वायरस की कॉपी जब बनती है
तब इनमें से कोई एक कॉपी जिसके साथ क्या अटैच है, वायरस का, वायरस का जेनेटिक मटेरियल के साथ, वायरस का जो डीएनए वो भी इसके साथ क्या है अटैच है, और ये चला जाता है एक बैक्टीरियोफेज के अंदर। इस तरह से क्या होगी, एक बैक्टीरियोफेज के अंदर ये चला जाएगा। और अब जब ये बैक्टीरियोफेज एक नए बैक्टीरिया को जाके, एक नए बैक्टीरिया जो है उसको जाके ये अब इन्फेक्ट करेगा, तो क्या होगा कि उसको नए कॉम्बिनेशन मिलेगा। बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, अब नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो बैक्टीरिया अब इन्फेक्ट होगा, ये बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर वायरस की भी कॉपी प्रेजेंट है प्लस बैक्टीरिया की भी कॉपी प्रेजेंट है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने ही हैं, ठीक है, उनमें सबके पास वायरस की ही कॉपी है, सिर्फ बैक्टीरिया की कॉपी नहीं है। सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसके पास बैक्टीरिया के डीएनए की भी कॉपी होगी और वायरस के डीएनए की भी कॉपी होगी। ऐसा बैक्टीरियोफेज जब एक नई बैक्टीरियल सेल को जाके इन्फेक्ट करता है तो उसके पास भी नया डीएनए पहुंच जाता है, ठीक है, और वो नई कॉपी बनाता है, नए तरह के बैक्टीरिया को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। भाई बैक्टीरिया नया कॉम्बिनेशन उसको मिला है, डिफरेंट कैरेक्टर उसको मिल जाते हैं, जो क्या करते हैं भाई वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। बैक्टीरिया जो है ऑलमोस्ट बहुत ही छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर सकता है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन भी ये कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर इन्हीं तरीक़ों से प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो बैक्टीरिया के केस में दिखाई देती है। तो ये था रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद हम करेंगे इसकी यूज़, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं एक बार। बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, पहले हार्मफुल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या क्या है बेटा, क्योंकि ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया जो है बहुत सारे ग्राम नेगेटिव फॉर्म जो होती हैं वो पैथोजेनिक फॉर्म होती है बैक्टीरिया की, और वो क्या करती है बेटा, डिजीज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बींग। जैसे कोलेरा विब्रियो कोलेरा से जो उसका क्या होता है पैथोजन होता है, वो कोलेरा प्रोड्यूस करती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। लेप्रोसी है, लेप्रोसी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी जो बैक्टीरिया है वो लेप्रोसी को प्रोड्यूस करता है। टाइफाइड है, ठीक है, सेलमोनेला टाइफाइड जो है वो टाइफाइड को प्रोड्यूस करता है। ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस को इंड्यूस करता है ह्यूमन के अंदर, मतलब ये बहुत सारे डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स के अंदर भी ये क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स में भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है ये एनिमल्स में एंथ्रेक्स प्रोड्यूस करता है, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया होता है, ये डिजीज जो है एनिमल्स में होती है, कैटल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। बेसिलस एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है वो इस डिजीज को प्रोड्यूस करता है बेटा, एंथ्रेसिस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ब्लैक लैंग डिजीज ये भी एनिमल को प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बेटा, क्लोस्ट्रिडियम चेरी ये डिजीज को प्रोड्यूस करता है बेटा, प्लांट के अंदर भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। प्लांट के अंदर जैसे सिट्रस कैंकर है, सिट्रस कैंकर जेनिकोमोना सिट्री इस डिजीज को प्रोड्यूस करता है, जेनिकोमोना सिट्री इस डिजीज को प्रोड्यूस करता है बेटा।
सिट्रस में होती है, इसलिए सिट्री जैंथोमोनास प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे जैंथोमोनास सिट्री, उसका नाम रखे जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्री। और क्राउन गार्ड डिजीज जो है, क्राउन गार्ड डिजीज होती है बेटा, बहुत सारे प्लांट में होती है, इसको प्रोड्यूस करते हैं बेटा एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिगेशन, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिगेशन, एग्रो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्लांट है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं उन प्लांट्स में डिजीज को प्रोड्यूस करता है, ये डाइकोट जो प्लांट है उनके अंदर डिजीज को प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया इसलिए बैक्टीरियम ट्यूमर फ्यूमिगेशन, क्योंकि ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए एग्रोबैक्टीरियल फ्यूमिगेशन, ठीक है। तो जो डिजीज प्रोड्यूस कर ये प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में डिजीज को प्रोड्यूस करता है, ये इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज है। इसके अलावा डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया भी होते हैं, भाई हमें ज़रूरत क्या है एटमोसफेयर के अंदर हमारा, अगर आप एटमोसफेयर में गैस की कंपोजिशन आप देखें तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एटमोसफेयर के अंदर, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। प्लांट के लिए यूज़फुल बहुत है, वो प्लांट को चाहिए, लेकिन प्लांट के लिए वो कब यूज़ कर सकते हैं वो उसको, वो फिर तब यूज़ करते हैं जब वो अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट हो, नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। जब तक वो गैस की फॉर्म में है प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उल्टा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो अमोनिया होती है, नाइट्राइड नाइट्रेट जो प्रेजेंट होते हैं उनको वापस से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये उसकी हार्मफुल एक्टिविटी होगी ना भाई, भाई क्या ज़रूरत क्या है प्लांटों की फिक्स होम के लिए नाइट्रोजन। लेकिन ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, ये जो फिक्स नाइट्रोजन है उसको भी चेंज कर देते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये भी इसकी क्या होगी हार्मफुल हार्मफुल एक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल है बेटा सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। इसके अलावा कुछ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जिसका नाम मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, ठीक है। ये क्या करता है, जो कैंड फूड होते हैं उनके अंदर क्या करता है, ये डिजीज को प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक केमिकल इंड्यूस करता है, और जो टॉक्सिक केमिकल है उसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जिस भी पर्सन ने इसको खाया उसको पैरालिसिस हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, इमीडिएट डेथ हो सकती है और पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, कि अगर वाटर में प्रेजेंट है बैक्टीरिया तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वाटर इज पोल्यूटेड, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इसको पास करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे ईकोलाई, अगर ईकोलाई किसी वाटर में वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ये इंडिकेट कर रहा है, ईकोलाई जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि डेड वाटर बॉडी इज पोल्यूटेड, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है ना, तो वो पोर्टेबल वाटर है ना, इसको नहाने में किसी भी चीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उस पानी को, वो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाटर इंडिकेटर का भी काम करते हैं भाई। सो इसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन की फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं बेटा, जो ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन मतलब ये अपने बेनिफिट कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, हर चीज़ के अंदर अपना बेनिफिट ढूंढ लेते हैं। कुछ ह्यूमन्स का जो ब्रेन है ना वो दो तरीके से काम करते हैं, डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। तो कुछ लोगों का जो डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेपन की फॉर्म में बैक्टीरिया को यूज़ कर लेते हैं, जो हार्मफुल प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया को उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर ह्यूमन यूज, बायोलॉजिकल वेपन की फॉर्म में यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया इसको भी ह्यूमन क्या करता है, यूज करता है फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे ह्यूमंस को मारने के लिए इनको बायोलॉजिकल वेपन की फॉर्म में यूज़ कर लेता है। कोलेरा काजिंग बैक्टीरिया को यूज़ कर लेगा बायोलॉजिकल वेपन की फॉर्म में, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया को यूज़ कर लेगा बायोलॉजिकल वेपन की फॉर्म में, ठीक है। कोरोना के लिए तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो मैं नहीं बोलूँगी अभी, ठीक है, वो तो छोड़ देते हैं हम इसको। अब हम ये कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ को भी कर लेते हैं हम।
ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रक्शन का रीज़न है, ये हमारे लिए यूजफुल भी, बहुत ही यूजफुल होते हैं बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। कर्ड के अंदर बैक्टीरिया होता है, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा माना जाता है, बिल्कुल इस बात को मानते हैं हम कि जो पर्सन हर दिन डेली एक कटोरी दही खाता है, उसकी डाइट में अगर एक कटोरी दही प्रेजेंट है तो वो बहुत कम बीमार होते हैं, उनकी एज भी ज़्यादा होगी और उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है, उनके ऑर्गेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल है, ये उसकी यूजफुल एक्टिविटी है, ठीक है। एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्लांट के लिए भी यूजफुल होते हैं। एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया क्या है, ये क्या करेंगे, जो डिकेइंग प्लांट होते हैं, ठीक है, जो प्लांट क्या होगा बेटा डेड है भाई, प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, अपना लाइफ स्पान होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो डेड बॉडी होती है ना, इसको डिकम्पोज करने का काम करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर का काम करेगा, डिकम्पोज करेगा। अगर बैक्टीरिया और फंगाई ना हो बेटा तो अर्थ के ऊपर डेड बॉडीज का ढेर लग जाएगा, एक बहुत बड़ा डस्टबिन होगी अर्थ अगर बैक्टीरिया और फंगाई ना हो। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं जो भी डेड बॉडीज प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर जो भी अमोनिया, जो भी प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसका वो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सोयल के अंदर वो हमें मिल जाते हैं, और सोयल से उसको कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट्स यूज कर लेते हैं, मिनरल साइकिल चलती रहती है, मिनरल साइकिल को कंटिन्यू करते हैं डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया आते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, पिछली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इसकी नहीं कर रही, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया को कहते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से पढ़ चुके हैं, सिंबायोटिक और ए सिंबायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिकली मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, उसके साथ कॉन्जुगेट होके रहते हैं, ठीक है, जुड़ के रहते हैं उसके साथ, ठीक है। जैसे राइजोबियम, राइजोबियम आपको कहाँ मिलेगा, लेगमिनस की रूट नोड्यूल्स में मिलेगा। ये क्या करता है, जो लेगमिनस प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है उसको, और प्लांट बदले में क्या देगा, बैक्टीरिया फूड देगा, मतलब दोनों का बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसके अलावा एजो राइजोबियम, ये आपको सिसेबिनिया प्लांट जो है उसकी रूट नोड्यूल्स में मिलता है, ठीक है। फ्रेंकिया है, फ्रेंकिया आपको मिलता है नॉन लेगमिनस प्लांट के साथ रूट्स में, उनकी भी रूट्स में मिलता है ये, और ये क्या करता है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, फ्री फॉर्म में भी मिलता है, एसिम्बायोटिकली मिलता है। एसिम्बायोटिकली के एग्जाम्पल है बेटा एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ठीक है, बेजरिन की है, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बट फ्री फॉर्म में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट के यूज के, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया का यूज हो गया बेटा, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो उसमें भी काम आता है बेटा, डेयरी प्रोडक्ट जो है जैसे कर्ड है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन डेयरी प्रोडक्ट में फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें भी बैक्टीरिया यूजफुल है,
जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिन है ये क्या करता है, मिल्क कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर, तो डेयरी प्रोडक्ट में भी इसका यूज है, ठीक है। और सब और भी क्या बेटा, एंटीबायोटिक के फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइक। अगेंस्ट लाइक काम करते हैं, अगेंस्ट लाइक किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे लिए क्या है प्रो लाइफ, ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ होती है। एंटीबायोटिक जो है ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया से मिलती है, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक आप सब जानते हैं किसने डिस्कवर की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, फंगस से डिस्कवर की थी, पेंसिलिन से, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया से जो मिली थी उसका नाम है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और ये हमें कौन से बैक्टीरिया से मिली थी बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिली थी, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से मिली थी, जिसे वॉक्समैन ने दिया, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, इसकी यूजफुल एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्रीज में भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जैसे इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में का, इथेनॉल से एसिटिक एसिड लेते हैं हम, एसिटाइल जो बैक्टीरिया है ये इथेनॉल से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रैटिंग ऑफ फाइबर्स में भी यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को, फाइबर्स को सेपरेट करने में हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को, उसमें किसको यूज़ करते हैं हम करते हैं ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया को, क्लोस्ट्रिडियम को, क्लोस्ट्रिडियम इसको रैटिंग ऑफ फाइबर में यूज़ करते हैं, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइटमिन को प्रोड्यूस करने में भी करते हैं, जो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिक का होता है, बहुत सारे स्ट्रेन है बेटा क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिक है, ब्यूटेरिक ये विटामिन प्रोड्यूस करता है, जैसा विटामिन B1 को, ब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ई कोलाई जो वैसे तो पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, बट विटामिन के जो है ये प्रोड्यूस करता है, विटामिन ई और विटामिन के हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया की क्या है, यूजफुल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा गंगा का जो वाटर है, गंगा का वाटर जो है उसको प्योर मानते हैं, खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरियो फेज प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया है ये, बेडलो विब्रियो बैक्टीरियो, बेडलो विब्रियो, बेडलो विब्रियो बैक्टीरियो फेज, बैक्टीरियो फेज। ये जो ये बैक्टीरियोफेज है बेटा, जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को ये क्या करता है, स्टॉप करता है, उनके एक्शन को स्टॉप करता है, ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ गंगा के लिए भी काफ़ी हम इसको काफ़ी क्या मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जो गंगा का वाटर प्योर है इस बैक्टीरियोफेज की वजह से, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था बेटा स्टोलाकोस, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम यूज करते हैं बैक्टीरिया का, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन है, इसका यूज करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको नेट
नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं हमें, ठीक है। इसका काफ़ी यूज़ है बैक्टीरिया एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म भी हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का, जैसे इकोलाई को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल मटीरियल के, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस माइको प्लाज्मा को भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ और फॉर्म हैं जो बैक्टीरिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।